दोस्तों बात करेंगे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट के बारे में। सर्किल बेस्ड ऑफिसर वाली ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, ग्रेजुएशन मांगा गया है ऑल ओवर इंडिया। ये जॉब है, महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंटली अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन पहले कर रखा है तो नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन वाला कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर फाइनल ईयर आपका चल रहा है तो भी आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम में। साफ सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, एसबीआई की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, सैलरी स्टार्टिंग 45-40 हज़ार के आसपास आपको मिलेगी। आज ही आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन जो कि यहां पे नवंबर महीने तक चलेंगे, तो आराम से इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहां पे ये रिक्रूटमेंट निकलती हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले बता दूं यहां पे ये रिक्रूटमेंट का यहां पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसके अलावा यहां पे एप्लीकेशन पेमेंट फीस, ये इस रजिस्ट्रेशन की डेट बता देता हूं आपको, 18/10/2022 से शुरू है, स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 7/11/2022 यानी कि 7 नवंबर लास्ट डेट इसकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड ऑफ कोलेटर, इसके ऑनलाइन कोलेटर डेट नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, जो कि आप 4 दिसंबर 2022 को यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट इसका होगा। तो पूरा यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम मैंने बता दिया है आपको इस वैकेंसी का, एसबीआई का। ध्यान रखना 18/10 से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म, ये लिस्ट देख रखे हो आप सामने, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लिस्ट रही यहाँ पे किन किन जगह पे वैकेंसीज अवेलेबल है। सर्किल है, इसके सामने स्टेट लिखा हुआ है और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट भी दे रखी है, सारी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। टोटल वैकेंसीज है 1400, तो ये आप देख सकते हो 1400 वैकेंसीज है। बैकलॉग वैकेंसीज के अलावा बता रहा हूँ मैं 1400 वैकेंसीज, और ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। किन किन मतलब कौन सी पोस्ट है, वो पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, नाम सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सर्किल बेस्ड ऑफिसर। तो सर्किल बेस्ड ऑफिसर की ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब है। इसके अलावा इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है आपको यहाँ पे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जूम करके आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, और यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, ये साफ साफ आप देख सकते हो, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 से 30 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो भी रखा गया है वो भी आप देख सकते हो है कि नहीं है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे इसमें डिटेल दे रखा है। तो सारा नोटिफिकेशन ये आप देख लीजिए यहाँ पे, एग्जाम किन किन मतलब सब्जेक्ट्स में, ये इंग्लिश हो गया, बैंकिंग नॉलेज हो गई, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट भी मैंने आपको बता दी है, आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर अपना चूज कर सकते हो, यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है ये आप देख सकते हो। इसको जूम करके मैं बता देता हूँ एक बार वापस से, क्योंकि यहाँ पे सैलरी सबसे मेन होती है कई लोगों के लिए। तो ये 36,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है, टीएडी अलाउंसेस मिला के आपकी 40-50 हज़ार के आसपास हो जाएगी। अच्छे खासी जॉब है एसबीआई में, सर्किल बेस्ड ऑफिसर वाली ये नौकरी है। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।